बाद में बिल्ड करने वाला ऑसम कैश स्टोरेज रूम, जिसके के अंदर हम लोग एक बार में 2 मिलियन प्लस आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्ड सही में काफी ज्यादा जाइंट होने वाला है, तो लेट्स गो। फिर देरी किस बात की। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट। तो आज किस वाले एपिसोड में हम लोग बिल्ड करने वाले ऑसम कैश स्टोरेज रूम। चलो फिर अभी इसको बनाने के लिए जितना भी सामान लगने वाला उसको फटाफट से कलेक्ट कर लेते हैं। ओह माय गॉड, हम लोग को यहाँ पे बिना किसी मैप के ट्रेजर चेस्ट मिल चुका है, तो फटाफट से इसको लूट लेते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। ओके, तो यहाँ से हम लोग को काफी सारा आयरन और एक हार्ट ऑफ द सी और एक डायमंड और बाकी सब कचरा मिला है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काफी अच्छी लूट मिल चुकी है हम लोग को यहाँ से। बाय द वे, अपने काम को जारी रखते हैं। एंड अभी मैंने सैंड और ग्रेवल को तो कलेक्ट कर लिया, और अभी मेरे को जाना है रेडस्टोन डस्ट को कलेक्ट करने, क्योंकि वो मेरे पास लिटरली बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और इस चेस्ट को बनाने में रेडस्टोन का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। तो इसलिए अभी मैं जाने वाला हूँ माइन पे और केव्स को भी लूटूंगा, तो देखते हैं कितने डायमंड्स मिलते हैं और कितना रेडस्टोन मिलता है। ओके, तो मैं माइनिंग से वापस आ चुका हूँ, तो यहाँ पे मेरे को कुछ इतने डायमंड मिल चुके हैं, तो फटाफट से इनको फॉर्च्यून 3 कर लेते हैं और उसके बाद चलेंगे केव को लूटने। तो यहाँ से मेरे को मिल चुके हैं टोटल 55 डायमंड्स और लगभग 3 स्टैक के आसपास रेडस्टोन डस्ट। तो फटाफट से मैं एक केव को भी लूट लेता हूँ, क्योंकि इतना सामान मेरे ख्याल से कम पड़ जाएगा। बूम, तो यहाँ पे हम मेरे को केव से मिल चुका है टोटल 68 डायमंड्स और कुछ इतना सारा रेडस्टोन डस्ट। तो टोटल हो चुका है हमारे पास 2 स्टैक डायमंड्स और रेडस्टोन। खैर छोड़ो, तो ठीक है, अभी इसको बनाने के लिए मेरे पास सारा सामान कलेक्ट हो चुका है। और यार, इसके अंदर जो हॉपर्स और चेस्ट वगैरह लगने वाली है उसको भाई मैंने कलेक्ट करके रखा है यार, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हॉपर्स को बनाने के लिए मैंने पूरा ओवरनाइट एफके किया है हमारे आयरन फार्म पे। बाय द वे, इस चेस्ट को ना मैं मेनली ब्लैक और येलो कंक्रीट से बिल्ड करने वाला हूं, तो इसके अंदर मेरे को लगने वाला है बहुत सारा येलो डाई, और ब्लैक तो हमारा कम से ही काम चल जाएगा, क्योंकि ब्लैक से तो सिर्फ बाउंड्रीज ही बननी है। बाय द वे, तो चलो फिर अभी यहाँ पे एक फटाफट से डाई फार्म को बिल्ड कर लेते हैं, लगाते फिर अभी टाइम लैप्स को। भी हमारा फाइनली डाई फार्म बनके कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ से भी मैं फटाफट से काफी सारा डाई कलेक्ट कर लेता हूँ। वहां से काफी सारे डाई को कलेक्ट करने के बाद मैं आ गया हमारे घर के पास वाले ओशियन में। यहाँ पे आके मैंने काफी सारे ऑक्टोपस को मारा ब्लैक डाई के लिए। तो वहां से ब्लैक डाई को कलेक्ट करने के बाद मैं आ गया उस जगह पे जहाँ पे मैं इस फार्म को बिल्ड करने वाला हूँ। तो इस फार्म को मैं हमारे ट्री हाउस के थोड़ा सा पीछे बिल्ड करने वाला हूँ। अभी यहाँ से ट्री हाउस रेंडर नहीं हो रहा है, नहीं तो तुमको दिख जाता। बाय द वे, ये एरिया ना थोड़ा सा उबड़ खाबड़ और ये ऐसा कुछ टाइप है, तो इसको फटाफट से फिक्स कर लेता हूँ मैं, तभी तो यहाँ पे चेस्ट बन पाएगा ना। तो अभी यहाँ पे फाइनली एरिया पूरा क्लियर हो चुका है, एंड यस, इसको मैंने थोड़ा सा अच्छा लुक देने का भी ट्राई करा है। तो चलो फिर अभी इस चेस्ट की फाइनली अभी मैं बाउंड्रीज को बिल्ड करने वाला हूँ, तो लगाते फिर अभी टाइम लैप्स को। राइट गाइस, तो अभी मैंने इसकी पूरी बाउंड्रीज को बिल्ड कर दिया है, और अभी से पता चल रहा है ये कितना ह्यूज होने वाला है। तो नेक्स्ट अभी हम लोग को इसको पूरा येलो कंक्रीट से फिल करना है और नीचे लगाना है व्हाइट कंक्रीट फ्लोर के लिए। तो लगाते फिर अभी नेक्स्ट टाइम लैप्स को। फाइनली अभी हमारा चेस्ट बनके कंप्लीट हो चुका है, एंड यस, मैंने वीडियो को क्रॉप इसलिए कर रखा है क्योंकि पता नहीं मेरे रिकॉर्डर ने क्या ही नशे कर रखे हैं, ऊपर और नीचे वाला पार्ट उसने ग्रीन कर डाला है, पता नहीं क्यों। बाय द वे, अभी इसको बनने के बाद हमारा चेस्ट भाई देखने में काफी ज्यादा ओपी लग रहा है, एंड अभी हम लोग को इसके अंदर बिल्ड करना है हमारा फाइनली कलेक्शन सिस्टम। तो लगाते फिर अभी नेक्स्ट टाइम लैप्स को।
भी हमारा फाइनली कलेक्शन सिस्टम बन के रेडी हो चुका है। जैसे कि तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, हर चेस्ट के अंदर अलग अलग आइटम्स के लिए सॉर्टिंग सिस्टम लगा हुआ है, बट अब ये किसी भी आइटम को सॉर्ट नहीं कर रहा है। तो आइटम्स को सॉर्ट करवाने के लिए हम लोग को इसके पीछे आ जाना है और यहाँ पर आकर इस वाले हॉपर में हम लोग को कोई भी रीनेम्ड आइटम को कुछ ऐसे रखना है। एंड यहाँ पे आ जाएगा वो वाला आइटम जो इस वाली चेस्ट के अंदर जाना चाहिए। एंड यस, ये अगर 41 पे रुकता है तो ही ये सही बना है, नहीं तो ये गलत बन चुका है आपका। बट अगर ये 41 के ऊपर आके रुक चुका है तो ये बिल्कुल सही बना है। 41 के बाद आप जितना भी इसके अंदर डायमंड डालोगे वो सीधा नीचे वाली चेस्ट के अंदर आ जाएगा। अभी हम लोग को इन सभी हॉपर्स के अंदर कर देना है। तो बूम, यहाँ पे अभी हमारा ये वाला काम भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। बट अभी ये देखने में बहुत ही ज्यादा बोरिंग लग रही है, तो अभी इसको फटाफट से हम लोग डेकोरेट भी कर देते हैं। तो लगाते फिर अभी टाइम लैप्स को। तो अभी हमारी फाइनली चेस्ट बनकर रेडी हो चुकी है। भाई इसको बनाने में जो ही हालत खराब हुई है, कभी वो खत्म हो जा रहा है, कभी वो खत्म हो जा रहा है, और सबसे ज्यादा तो भाई रॉकेट खत्म हो जा रहे थे मेरे। बाय द वे, अभी मैं चेस्ट को दिखाने से पहले आप लोग को एक और चीज दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने हमारे फ्लावर फार्म के पास में एक बोन मिल फार्म को बना लिया था, क्योंकि भाई डाय को लेने के लिए बोन मिल लगता है और बोन मिल तो मेरे पे था ही नहीं, तो इसलिए मैंने सस्ते से बोन मिल फार्म को बिल्ड करा था। मैं आप लोग को चला के ही दिखा देता हूँ, आप लोग को पता चल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को इस लीवर को खींचना है और यहाँ से ये कैल्प टूटना स्टार्ट हो जाएगा। वन टिक वाला फार्म है तो यहाँ पे ये बोन मिल बनेगा और यहाँ पे आके सिंपल सा कलेक्ट हो जाएगा। काफी सिंपल फार्म है, ज्यादा कुछ इसमें खास था नहीं, तो इसलिए मैंने इसको वीडियो में नहीं दिखाया था। तो बाद में अभी चलते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे मैं हमारी चेस्ट के पास आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं आप लोग को सोर्सेज दिखा देता हूँ। काफी सारे बच गए हैं भाई, मैंने बहुत ज्यादा ही बना लिए थे। चलो अच्छा ही है, आगे वाले बिल्ड्स में काम आ जाएंगे, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाय द वे, अभी हम फाइनली हमारी चेस्ट के ऊपर आ चुका है। तो एंट्रेंस में मैंने कुछ ऐसा लगा रखा है और यहाँ पे बैम्बूज वगैरह लगा दिए मैंने, थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो जैसे ही हम लोग अंदर आते हैं तो यहाँ पे हमारा कलेक्शन सिस्टम और नीचे मैंने ये कारपेट वगैरह लगा रखे हैं, क्योंकि ये बोरिंग सा लग रहा था नहीं तो फ्लोर। एंड यहाँ पे ये कुछ मैंने सस्ती सी डेकोरेशन करी है अपनी। एंड यहाँ पे आ जाएंगे हमारी स्टेयर्स, यहाँ पे मैंने एंड्रॉइड आयरन ट्रैपडोर और कारपेट से इसको बनाया, काफी अच्छा लगता है देखने में। यहाँ पर ऊपर आते ही हम लोग को फिर से ये नेदर वाला और यहाँ पे ये कुछ पेंटिंग और यहाँ पे ये आर्मर, ये कुछ खतरनाक आर्मर नहीं है, सिर्फ जो एंटेनमेंट टेबल पर फर्स्ट नंबर पे आता है ना, वो वाली चीज लगा रखी है मैंने। तो आज किस वीडियो में इतना ही, बट वीडियो को खत्म करने से पहले बात कर लेते हैं शाउट आउट की। तो आप सभी को भाई बड़े वाला शाउट आउट, जिन सभी ने भी हमारी पिछली वीडियो पे कॉमेंट किया था। तो अगर आपको भी शाउट आउट चाहिए तो वीडियो पे एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और यस, हमारे पिछली वाली वीडियो से भाई 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो नेक्स्ट डे में हमारा 250 सब्सक्राइबर्स का तो करवा दो यार, और लाइक में रखता हूँ मैं 15 लाइक्स का, तो करवा देना उसको भी। तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय। एंड यार, तुम लोग टाइम लैप्स को एंजॉय करो।